अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में लर्नेड लेसन का जो लैंग्वेज वर्क है वो करने जा रहे हैं। तो इसमें पहले जो हमें सीखना है वो है व्हाट इज कंपाउंड वर्ड, यानी कंपाउंड वर्ड जो है कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, व्हेन टू वर्ड्स आर जॉइनड टुगेदर टू मेक ए न्यू वर्ड इट इज कॉल्ड ए कंपाउंड वर्ड। यानी जब हम दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो उसी को हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड हम लेते हैं प्ले प्लस ग्राउंड। ये जो दो वर्ड्स है ये अलग अलग वर्ड्स हैं। प्ले एक अलग वर्ड है और ग्राउंड एक अलग वर्ड है। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये वर्ड बनेगा प्ले ग्राउंड। एक नया वर्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो ये जो नया वर्ड है प्ले ग्राउंड, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्ले मीन्स खेलना, ग्राउंड जो है ग्राउंड मीन्स मैदान। लेकिन यहाँ पे जो नया वर्ड बना प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान, ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। जब हमने इन दो वर्ड्स को कंबाइन किया एक नया वर्ड फॉर्म हुआ, तो इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देते हैं। एक वर्ड अंडर है और ग्राउंड, अंडरग्राउंड। इसको इन दो वर्ड्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये वर्ड बनेगा अंडर ग्राउंड, एक नया वर्ड। तो ये जो दो वर्ड्स हमने सीखे हैं प्लेग्राउंड एंड अंडरग्राउंड, जो दो वर्ड्स कंबाइन करके हमने बनाए हैं, तो इन्हीं को कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड वर्ड्स हैं इनके बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बल्कि तीन कैटेगरीज हैं इनके। एक जो है एक कैटेगरी उसको कहते हैं ओपन कंपाउंड वर्ड। फर्स्ट वन इज ओपन कंपाउंड वर्ड। ओपन कंपाउंड वर्ड, ओपन कंपाउंड वर्ड जो होता है इसमें स्पेस होता है, ठीक है। ओपन मीन्स खुला। ओपन कंपाउंड वर्ड यानी जिसमें स्पेस हो उसको ओपन कंपाउंड वर्ड कहते हैं। द कंपाउंड वर्ड इन विच देयर इज ए स्पेस। देयर इज ए यानी इनमें क्या होती है, ये जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं इनमें स्पेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आइस एक वर्ड है, तो इसको हम कंबाइन करेंगे एक और वर्ड से, क्रीम, आइस क्रीम, आइस प्लस क्रीम। तो ये वर्ड बनेगा आइस क्रीम। तो यहाँ पे क्या हमने किया कि यहाँ पे इस वर्ड्स में यहाँ पे हम स्पेस देखते हैं, एक खाली जगह देखते हैं। आइस फिर स्पेस और फिर क्रीम, ये भी कंपाउंड वर्ड है। यानी इस कंपाउंड वर्ड को हम कहते हैं ओपन कंपाउंड वर्ड। इसी तरह से मिडल, एक और एग्जांपल, मिडल प्लस स्कूल, प्लस स्कूल। तो ये हम ऐसे लिखेंगे मिडल स्कूल स्पेस। तो ये भी कंपाउंड वर्ड है, तो इसमें जो है स्पेस है, तो इसको ओपन कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो इसी तरह से एक और कैटेगरी है कंपाउंड वर्ड्स की, उसको कहते हैं क्लोज। जिस तरह से ये ओपन था, इसके बाद जो कैटेगरी है क्लोज्ड,
कंपाउंड क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड जो होता है इनमें जो स्पेस है स्पेस नहीं होती है। जिस तरह से यहाँ पे हमने स्पेस देखी तो यहाँ पे क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड में स्पेस नहीं होती है। कंपाउंड वर्ड इन विच देयर इज नो स्पेस, जहां पे स्पेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जो कि ऊपर हमने एग्जाम्पल एक ली है, प्ले, प्ले प्लस ग्राउंड, प्लस ग्राउंड, ठीक है। तो प्ले ग्राउंड जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये वर्ड बनेगा प्ले ग्राउंड। तो यहां पे स्पेस नहीं है, ठीक है। तो जब हमने इन दो वर्ड्स को कंबाइन किया, प्ले और ग्राउंड को, तो यहाँ पे हमने स्पेस नहीं छोड़ी है, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। यानी जहाँ पे दो वर्ड्स के दरमियान जो गैप होगी वो नहीं होगी, स्पेस नहीं होगी, उसको क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड कहते हैं। इसी तरह से एक और कैटेगरी है, दैट इज हाइफनेटेड। हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड। तो हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड में क्या होता है, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड में दो वर्ड्स के दरमियान जो होता है एक हाइफन होता है, यानी एक डैश होता है, एक लाइन, छोटी सी लाइन होती है, उसको हाइफन कहते हैं। तो हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड, द कंपाउंड वर्ड इन विच देयर इज ए हाइफन, यानी एक छोटी सी लाइन होती है, देयर इज ए हाइफन बिटवीन वर्ड्स, यानी वर्ड्स के दरमियान जो है एक हाइफन होता है। जैसे कि लेसन में आपने पढ़ा है इन, फिर प्लस ला, यानी ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इन और ला। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे, इन हाइफन डालेंगे ला, इन ला, यानी ये भी एक कंपाउंड वर्ड है। ये जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं इनमें हाइफन होता है, एक छोटी सी लाइन होती है। इसी तरह से मदर प्लस इन प्लस ला, जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये वर्ड बनेगा, ये वर्ड क्या बनेगा, मदर फिर हाइफन, फिर इन, और फिर इसके बाद एक और हाइफन ला। तो ये भी कंपाउंड वर्ड यहाँ पे बना। तो इसको क्या कहते हैं, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड। तो जो वर्ड्स, जिन वर्ड्स में हाइफन हो तो उनको हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं, यानी वो कंपाउंड वर्ड्स जिनमें हाइफन होता है उनको हम हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होप कि ये जो लेसन है आज का, ये अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। थैंक यू।